दिल्ली में लगातार बढ़ते पोल्यूशन की कहीं ना कहीं ये वजह भी है, जो कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं। जी हाँ, रजौकरी इलाके में तकरीबन आधा किलोमीटर इलाके में इसी तरीके से कूड़ा जलाया जा रहा है, और ये कूड़ा जिस तरीके से इलाके के लोगों ने बताया कि फार्म हाउस के द्वारा, टेम्पो के द्वारा इन कूड़ों को फेंकवाया जाता है, उसके बाद इसमें आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है। क्षेत्र के लोग तो इस धुएँ को पिछले काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके की इसमें आग लगा दी जाती है और धुआं की वजह से आसपास के रहने वालों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। क्षेत्रीय निगम पार्षद को भी इसके बारे में लोगों ने जानकारी दी, तो उन्होंने लिखित में विभागों को शिकायत दी और जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान के लिए लोगों को बोला है कि जल्द से जल्द उनको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाज़ा लगेंगे कि कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार पॉल्यूशन कम करने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है, वहीं इस जगह को अनदेखा कर रही है, जो कि दक्षिणी दिल्ली का रजौकरी इलाका है, काफ़ी बड़ा इलाका है, अरावली के क्षेत्र में इसकी गिनती आती है। और लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से कूड़ों में आग लगाई जा रही है, उस कूड़े से उठने वाला धुआं भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के रजौकरी इलाके की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से कूड़े में जगह जगह पर आग लगाई गई है और इससे धुआं उठता रहता है। लोगों ने फिलहाल क्या कहा, और साथ ही आपको बता दें वसंत कुंज के निगम पार्षद ने क्या कहा, आइए हम उनको सुनवाते हैं कि किस तरीके से लोगों ने इस समस्या के बारे में बताया। सुरेंद्र तवर, कितने दिनों से आप ये देख रहे हैं कि जो यहाँ कूड़ा जलाया जा रहा है? सालों साल से चल रहा है, कई साल से चल रहा है। अभी कितनी दिक्कत आप लोगों को हो रही प्रदूषण को लेकर? बहुत दिक्कत हो रही थी कोरोना काल में, वैसे ही बड़ी बीमारी फैल रही है, उसके बावजूद सांस की बीमारी वगैरह, खांसी जुकाम, कोरोना को और ज़्यादा खतरा हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है हमारी, और जंगली जानवर भी मरते ही हैं, सांप हुआ या कोई भी हो, इस एरिया में वैसे ग्रीनरी है ना कहने को, और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ है। अच्छा, इस आग की वजह से आसपास का जो जंगल है वो भी जल रहे हैं, पेड़ जल रहे हैं? हाँ बिल्कुल जल रहे हैं जी, पेड़ वेड़ देखो क्या हालत हो रही है, सूख रहे हैं पेड़, ग्रीनरी तो खत्म। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार को ध्यान देना चाहिए रजौकरी गाँव के ऊपर? सरकार प्रशासन, पुलिस प्रशासन वो संज्ञान में लेना चाहिए कि भैया ऐसे कैसे हो रहा है, उसका कुछ वो करना चाहिए। आपके क्षेत्र में कूड़ा काफी ज्यादा जगह पर डालकर जलाया जा रहा है, रजौकरी इलाके में हमने देखा वहाँ पर कूड़ा जलाया, उसको किस तरीके से आप देखते हैं, कितना जानलेवा साबित होगा लोगों के लिए? देखिए बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि वहाँ हमारे रजौकरी क्षेत्र में जो रिज का एरिया, उसमें काफ़ी मात्रा में कुछ अवशेष आते हैं जो फार्म हाउसों का कूड़ा होता है, और वो खुले में डाल के जलाया जाता है, जैसा कि हमें देखने में आया कि वो काफ़ी देर तक आग जली रहती है। तो मेरा चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से सीधी सीधी अपील है कि वो आए, और जब वो पोल्यूशन को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं तो ये भी एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है, मैं उनको जानकारी दे रहा हूँ, और मैं अपने निगम की तरफ से उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे जरूरत उनको पड़ती है किसी भी तरह की, हम खड़े हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आपके क्राइटेरिया है, आप इस पोल्यूशन के इस सोर्स को जितना जल्दी रोकें, सख्ती के साथ रोकें, ताकि आने वाले समय में जो पोल्यूशन का जो भयंकर खतरा दिख रहा है उसमें कमी आए, और ताकि कोरोना के मामलों में भी कमी देखने को मिले। एम्स के जो निर्देशक है उन्होंने भी कहा है कि अगर पोल्यूशन बढ़ता है तो कोरोना भी बढ़ेगा, क्या लगता है कि दिल्ली सरकार लापरवाही बरत रही है? देखिए बिल्कुल, जब डॉक्टरों ने इसके लिए बोला है तो वो निश्चित किसी न किसी आधार पर ही बोला होगा, और हम सबका कर्तव्य है, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे MCD, चाहे केंद्र, सबको मिलके हमें इस पोल्यूशन की लड़ाई से लड़ना है, इस कोरोना की लड़ाई से लड़ना है, तो दिल्ली सरकार अपना फर्ज निभाए, दूसरे डिपार्टमेंट के, दूसरे विभागों के कामों में टांग न अड़ाकर जो पोल्यूशन को कम करने का उनकी जिम्मेदारी है उसको वो भली भांति निभाएगी, तो जनता के हित में होगा, क्षेत्र के हित में होगा। जिस जगह पर कूड़ा जलाया जा रहा है वो भी रिच की एरिया है, जहाँ आप क्या लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अनदेखी कर रहा है, क्योंकि वहाँ जलाया जा रहा है कूड़ा? बिल्कुल, मैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी ये कहूँगा कि आप वैसे तो किसी छोटी छोटी बातों के लेकर लोगों को परेशान करते रहते हैं, अब ये जब आग जल रही है वहाँ पर जानवर भी रहते हैं, वहाँ पर लोग भी रहते हैं, और ये जंगल का एरिया अगर आग पकड़गी, आग बुझने का नाम नहीं लेगी, और पोल्यूशन तो है ही है उसके साथ, तो उस डिपार्टमेंट को भी उचित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को लिखना चाहिए, और अपने चौकीदार, पहरेदार जो भी होते हैं उनको तुरंत मैदान में उतारे, और इस तरह की घटनाओं को रोकने में हमारी मदद करें, प्रशासन की मदद करें। अच्छा मनोज जी, आप लोग क्या इसको लेकर अब लिखित शिकायत भी आप देंगे जहां जहां पर डिपार्टमेंट है? जी बिल्कुल, हमने जो भी संबंधित विभाग है, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे वन विभाग हो, जो भी हो, हम वहाँ सब में रिटर्न में देंगे, और हम उनसे उम्मीद करेंगे वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, और इस तरह के जो प्रदूषण के सोर्स हैं इनको तुरंत बंद करें।
तो आपने अभी स्थानीय निगम पार्षद मनोज महलावत को सुना, साथ ही अब इन तस्वीरों को आप देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी दूर में इस तरीके का कूड़ा है जिसको जलाया जा रहा है, जिसमें कि प्लास्टिक भी है। इलाके के लोगों ने बताया सुबह और शाम को जब वो लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ग्रीन बेल्ट का एरिया है रजोकरी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके इन जंगलों में आखिरकार कौन इतना कूड़ा डालता है और कौन आग लगाता है, इस पर अभी तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो लापरवाही ज़रूर देखने को मिल रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन इन पर कब तक रोक लगाएगा, लेकिन इन तस्वीरों से आप देखिए कि किस तरीके से रजोकरी इलाके में जो पोल्यूशन है वो फैलाया जा रहा है, जिससे कि दिल्ली में भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। हम आपको वो टेम्पो भी दिखाते हैं कि किस तरीके से टेम्पो के द्वारा यहाँ पर कूड़ा लाकर गिराया जाता है, और टेम्पो की क्या दलील है वो भी हम आपको सुनाते हैं जो टेम्पो चालक है। मेरा नाम सतीश तंवर है। सतीश जी, ये कब से यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके की हालत बनी हुई, जो आग जलाई जाती है कब से जलाई जा रही है? ये तो सालों साल चलता ही रहता है इनका। वहाँ से फार्म हाउस से कूड़ा उठाते हैं, 1500 रुपये एक टेम्पो के लेते हैं, 1 किलोमीटर नहीं पड़ता उस फार्म हाउस की दूरी, और यहाँ ला कर उसको जला देते हैं, और काफ़ी चक्कर लगते हैं। अब आप लोग दिक्कत क्या, मेरी माँ खुद 80 साल पार कर चुकी है, उनको सांस भी नहीं लिया जाता। तभी तो पोल्यूशन को लेकर देखा दिल्ली सरकार कदम उठा रही, लगता है कि रजोकरी में भी कदम उठाना चाहिए। नहीं, यहाँ कोई, ये तो बिल्कुल रजोकरी में कोई भी ध्यान नहीं देता। तो ये किस जगह पर, ये कौन सी जगह, क्या कहते हैं इसको, कहाँ पर जहाँ जला जा रहा है? मेरे इधर उल्टे हाथ पे ये आश्रम है, उसके आगे पीछे चारों तरफ उसके जो अगल बगल में पीछे में भैया को दिखा के लाया, सारे में यही हाल है। तो क्या मानते हैं, किसकी मिली भगत से ये डाला जा रहा है, कौन लोग हैं जो कौन डाल जा रहा है? प्रशासन के लोग मिले हुए हैं टेम्पो वाले के साथ, टेम्पो हमारे गाँव के लड़के उनके हैं, 4-5 टेम्पो वाले हैं मालिक, वो उठा कर लाते हैं और यहाँ जला देते हैं कूड़ा। इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी प्रशासन से करी? मैंने 12 अप्रैल को 100 नंबर पे कॉल करी, तो जो बीट कांस्टेबल है यहाँ का, वो मेरे से कहने लगा कि भाई रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है, ये है हुआ। फिर आग बुझाने वाली गाड़ी आई और वो खुद बुझा के गई फायर ब्रिगेड की। नहीं, अप्रैल के बाद अगर आज की बात की जाए, अक्टूबर चला पोल्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा, ये रोज का, अभी आपने देखा ना, ये एक दिन का काम नहीं है, ये सालों साल का काम है। तो पराली का कम असर है लगता है, इस तरीके के कूड़े का ज़्यादा असर देखने को मिलता है? पंजाब तो बहुत दूर पड़ता है, पहले दिल्ली को तो संभाल लो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, कोई भी ध्यान नहीं देता, पहले यहाँ तो संभाल लो। रमेश जी, कितने ये जानलेवा बीमारी आप लोगों के आसपास है, बताइए। ये तो सबको सर्विदित है कि ये सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत, बड़े छोटों के जानवरों को भी, जो आसपास से जानवर निकलते हैं, और वातावरण तो दूषित होते हैं। और अक्टूबर के महीने में जैसे केंद्र सरकार भी कह रही प्रदूषण के ऊपर जोर दो, इधर से पराली का भी कहीं भी जलती है, चाहे गुड़गांव में हरियाणा में, तो असर थोड़ा बहुत पहले भी होता था, लेकिन इससे तो मतलब सोने में मतलब डबल हो जाता है। इधर हमारा ये हो गया, उधर वो पराली का हो गया, तो हमारा रहना यहाँ बड़ा दूषित होता है। सुबह शाम जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए इधर खेत वेत है उधर जाते हैं, तो सुबह हम चाहते हैं कि भाई अच्छी स्वच्छ हवा मिले, लेकिन हमें यहाँ दूषित हवा से का सामना करना पड़ता है, तो हमारा स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता ही है। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कूड़े के साथ साथ प्लास्टिक की चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो कूड़े में प्लास्टिक हो या प्रदूषित जैसे दूसरी चीज़ें भी हों, चाहे कोई डॉक्टर के जो वे फेंके हुए चीज़ों जो मतलब यूज की हुई चीज़ें, वो प्लास्टिक की होती हैं, कई कई तो मरे हुए जानवर का भी इधर आ जाता है कूड़े में, तो गाय बिल्ली विल्ली जो भी है तो कूड़े में दबी रहती हैं, तो दुर्गंध आती है, और हवा तो खैर प्रदूषित होती ही होती है। अब हम आपको आरसो न्यूज के कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड करी गई वो तस्वीर दिखाते हैं, जिस पर कि देखिए किस तरीके से टेम्पो में लाया गया कूड़ा यहाँ पर गिराया जा रहा है, इसके बाद ये कूड़ा सूख जाएगा और इसमें आग लगा दी जाएगी। टेम्पो चालक से जब इसके बारे में पूछा गया तो वो सही सलामत जवाब जो है वो नहीं दे पाया। फिलहाल आरसो न्यूज पर आप देख रहे हैं तस्वीरें टेम्पो की जिसपे से कूड़ा आया है। सामान ये जो ला रहे हैं पेड़ फार्म से ला रहे भाई, तो किस लिए लाते हैं, क्या यहाँ पे क्या होता है इनका? उनका होता है डलवा रहे, जब डाल देने हम तो आगे फेंक खा रहे उधर, तो इन्हें क्या जलाया भी जाता है, इनको जलाते भी हैं क्या? इनको जला भी लेके काट के रोटी वोटी बनाने के लिए। तो आपका क्या काम है? मेरा कोई काम नहीं है। बिमला जी, आप लोग यहाँ पे सिर्फ आना जाना रोज रहता, आप रहते भी? दूध लेने जाते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है निकलने के लिए,
होटल में जैसे पार्टी वगैरह होती है वहाँ से ये प्लेट वगैरह आती हैं और कचरा आता है बहुत सारा, उसमें एक दिन डाल के जाएंगे कि दूसरे दिन उसमें आग लगा जाएंगे। वो निकलने बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे भी हमारे दूध लेने जाते हैं उनको भी बहुत। अच्छा, आपका ये रजोकरी इलाका काफी ग्रीन इलाका है, लेकिन कभी सोचा था आपने कि इस तरीके से पोल्यूशन से जूझना पड़ेगा अभी जो? नहीं, पहले तो नहीं था, लेकिन ये अब 2-3 साल से हो रहा है। अच्छा, 2-3 साल से तो लगातार हो रहा है। सरकार हमेशा दलील दे रही है कि पराली जलाई जाती है हरियाणा की तरफ से, उसकी वजह से धुआं रहा, लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए इन जगहों पर भी। हाँ जी, देना तो चाहिए, लेकिन कोई सुनता नहीं है, देखता नहीं है, कोई नहीं देखता। यहाँ पे आके यहाँ पे पार्टी होती है जैसे फार्मों में, तो वहाँ से प्लेट वगैरह आती है, कट्टे आते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारा कबाड़ आता है। टेम्पू कम से कम भी एक दिन में 20-25 टेम्पू रोजाना आता है यहाँ पे। ठीक। हाँ। कितनी दिक्कत आप लोगों को इस वजह से होती है और कब से हो रही है दिक्कत? दिक्कत का तो कोई मतलब ओड़ी नहीं है कि मतलब कितनी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है हमें यहाँ पे। हम लोग सुबह शाम को शहर के लिए निकलते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए निकलते हैं कि बाहर हमें स्वच्छ हवा मिले, और लेकिन यहाँ आके देखते हैं कि ये पूरा प्रदूषण, धुआं और बदबू, गंदगी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हम निकलना मुश्किल हो जाता है हमें यहाँ से, बिल्कुल हम निकल नहीं सकते यहाँ से। बीमारियाँ हमें मतलब सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, हमें मतलब बदबू इतनी आती है यहाँ पे, हमारा स्वास्थ्य दिन पे दिन, हमारे लोगों का स्वास्थ्य दिन पे दिन गिरता जा रहा है यहाँ पे, तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। दिल्ली के मुख्यमंत्री हों चाहे खुद उनके पार्टी से जुड़े गोपाल राय हैं, सभी लोग अलग अलग प्रयास उठा रहे हैं कि दिल्ली में जो है पोल्यूशन कम किया जाए। हर साल ऑड इवन भी लगाया जाता है, दिवाली के समय आप देखते हैं पटाखों पर रोक लगाई जाती है, लगता है इस तरीके की चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, जो जहाँ से पोल्यूशन बढ़ रहा है। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले तो यही चीज़ें हैं। मतलब हमारा ये मतलब गाँव का इलाका है, लेकिन मतलब हम लोगों को पता है कि गांव में या मतलब इन जगहों पे एक शुद्ध हवा देखने को मिलती है, शहरों में शायद नहीं, थोड़ा कम है गांव के मुकाबले, लेकिन यहाँ तो देखो यहाँ तो शहरों से ज़्यादा है ये जो पोल्यूशन है, ये इतना अब तो इतना शहरों में नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे मिला हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, उनको यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए, इन जगहों पे भी इनके जो कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं या इनके पार्षद हैं सरकार के, उनको यहाँ पे भी अपने एरिया में ध्यान देना चाहिए। हम लोग कई बार वहाँ पे उनको उनकी नोटिस में हमने लाया इन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ भी हमारे गांव में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इनको भी मतलब देखा जाए, इन पे भी कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई उनके ऊपर उनका कोई ध्यान ही नहीं है इस तरफ।